हेलो एवरीवन वेलकम टू शिक्षा गाइस सो गाइस अकाउंटेंसी के एम सी क्यूज डिस्कस करने की हमारी पांच क्लासेस ऑलरेडी हम देख चुके हैं पांच एमसीक्यूज देखते हैं हर लेक्चर के अंदर इसके अंदर भी पांच देखेंगे और काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये रहेंगे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे कुछ इसके अंदर एंड डेफिनेटली पूरा लेक्चर देखें एंड सारे लेक्चर देखें सारे लेक्चर देखोगे अल्टीमेटली तभी फायदा होगा ओके सो क्विकली स्टार्ट एंड पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नोन एज ऑल्सोट कंसेप्ट को प्रूडेंट कंसेप्ट भी बोला जाता है ऑप्शन ए मैचिंग कंसेप्ट बी अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट सी कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट एंड डी इज ऑफ द अबव किसको प्रूडेंट कंसेप्ट भी बोला जाता है तो so, पर आपका दोस्तों जो राइट uh, आंसर right है दैट इज ऑप्शन सी कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट को प्रूडेंट कंसेप्ट भी बोला जाता है अब कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बेसिकली क्या बोलता है ये बोलता है कि जो एक अकाउंटेंट है ना या एक कंपनी जो है उसको कंजर्वेटिव रहना है कंजर्वेटिव किस चीज में रहना है रिलेटेड टू फ्यूचर ठीक है जब आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको फ्यूचर के अंदर आपके बिजनेस की जितनी अनसर्टेनिटीज हैं नेगेटिव इज़ रिलेटेड लॉस आपको लगता है फ्यूचर के अंदर जो जो लॉसेस हो सकते हैं वो सब तो आप प्रोविजंस क्रिएट करोगे अपनी अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज एक प्रोविजन क्रिएट करके रखती हैं अपनी अकाउंट स्टेटमेंट्स में जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कि भाई कल को जिन लोगों से पैसा लेना है अगर उन लोगों ने पैसा नहीं दिया तो वो डेट हो जाएगा ठीक है तो इसके लिए कंपनी प्रोविजन क्रिएट करके रखती है यानी कि जो भी घाटा हो सकता है फ्यूचर के अंदर वो तो कंपनी पहले से अकाउंट्स के अंदर उसको तैयार करके रखेगी लेकिन फ्यूचर के जो प्रॉफिट्स हैं वो कहीं पर भी वो रिकॉर्ड नहीं करेगी कि भाई फ्यूचर में मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी कहती है कि आज हमारा लैंड इतने का है आपने देखा कभी अकाउंट स्टेटमेंट में किसी कंपनी ने लिखा हो कि आज हमारा एसेट इतने की है हमारा लैंड आज इतने का है एक साल बाद इतना हो जाएगा वो कभी भी उस चीज को अकाउंट स्टेटमेंट में मैंशन नहीं करते तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि जो भी फ्यूचर की अनसर्टिनिटीज है रिस्क है उनको तो आप रिफ्लेक्ट करोगे लेकिन जो फ्यूचर के प्रोफिट हैं उस, वो उसमें नहीं आते

ने उसको लाइबिलिटी में डाल दिया ठीक है तो अल्टीमेटली एसेट को आप अंडरस्टेट कर रहे हो कल को आपका लैंड अब आप एसेट खरीदते हो For example, अब देखो एक और एग्जाम्पल देखो आपने एक जमीन खरीदी एक लाख रुपए की जब आपने खरीदी थी एक लाख रुपए की है थी लेकिन आज उस जमीन का रेट है पांच लाख रुपए जो आपके पास है जो आपने एक लाख में खरीदी थी तो इसको आप अपनी अकाउंट स्टेटमेंट में तो एक लाख ही दिखाते हो आप अपने एसेट्स के अंदर इसको एक लाख का ही दिखाते हो कहीं पर भी आप अपने एसेट में पांच लाख का नहीं दिखाते क्योंकि आप आप अपना एसेट नहीं बढ़ा, बढ़ाना चाहते वहीं आप अपनी कोई आपकी लाइबिलिटी होगी उसको आप मिनट में बढ़ा दोगे क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपना प्रॉफिट कम करना है है ना तो अल्टीमेटली कॉस्ट और लाइबिलिटी का ओवर स्टेटमेंट होता है और एसेट का अंडर स्टेटमेंट होता है क्योंकि ये माना जाता है कि अंडर स्टेटमेंट जो है वो लेस सीरियस है उससे बिजनेस को नुकसान नहीं होगा लेकिन आपने अगर ओवर स्टेटमेंट कर दिया तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अब आप प्रॉफिट को ओवर स्टेट कर दो कि भाई हमारा तो इतना प्रॉफिट होगा दैट कैन क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम और इसी वजह से ये बेसिकली प्रिंसिपल क्या बोलता है क्या लोगन बोलता है कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट कि आज की डेट में फ्यूचर में क्या प्रॉफिट हो रहा है वो कुछ एंटिसिपेट नहीं करो लेकिन अपनी अकाउंट स्टेटमेंट में लॉसेस का प्रॉपर बफर क्रिएट करके रखो ये बेसिकली कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है

अगर आप अलग अलग मेथड्स फॉलो करोगे तो आप कंपैरिजन कैसे करोगे फॉर एग्जांपल आप एक पर्टिकुलर ईयर में अपने रॉ मटेरियल को उसके कॉस्ट प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड करते हो ठीक है अब अगले साल आप तभी उसको अपने रॉ मटेरियल को देख पाओगे ना कि कितना आपका बढ़ा या कितना घटा जब आप अगले साल भी उसको कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करो अगले साल आप उसको मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हो तो कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस तो डेफिनेटली अलग अलग है ओके, सो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या बोलता है कि सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करो डिफरेंट पीरियड्स के अंदर तभी आप उसको कंपैरिजन कर पाओगे तभी वो कंपैरिजन पॉसिबल है अगर आप फ्रीक्वेंटली चेंज करते हो तो उसमें फिर कोई रिलायबिलिटी भी नहीं बनती उसकी ना आप उसको कंपेयर कर सकते हो जैसे मैंने आपको स्टॉक का एग्जांपल दिया कि आप या या तो उसको कॉस्ट प्राइस पे करो मार्केट प्राइस पे करो जिस पे भी कर रहे हो वो फॉलो करो आप year year. आप ईयर ईयर टू डेप्रिसिएशन एक साल में स्ट्रेट लाइन मेथड लगा देते हो अगले साल में आप मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लीकेशन चेंज कर दो अगेन फायदा नहीं होगा और कंसिस्टेंसी जब होती है ना तो पर्सनल बायस का स्कोप नहीं बचता फिर नहीं तो आप हर बार अकाउंटिंग मेथड चेंज करोगे तो अकाउंटेंट आपके साथ खेल जाएगा वो कहेगा यार हमने अकाउंटिंग मेथड चेंज किया इसीलिए एलिमेंट आ गया तो पर्सनल का एलिमेंट नहीं रहता और कंपेयर हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज पर कंपनीज़ एक्ट टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन फुलफिल्स विच अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रिपरेशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रॉपर आप रूल्स फॉलो करके प्रॉपर आप कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करके कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हुए अगर अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका बेसिकली आप कौन से कंसेप्ट के साथ एडहेर कर रहे हो आप एडहेर कर रहे हो दोस्तों ऑप्शन ए फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट के साथ आंसर ये होगा ऑप्शन ए तो फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट का बड़ा सिंपल सा फंडा है कि जितने जो भी मटेरियल और रेलिवेंट फैक्ट्स हैं वो आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड वो आपके अकाउंट्स बुक के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ताकि जो भी कंसर्न पर्सन है वो आपके अकाउंट्स को देख करके उसको पता चल जाए कि आपकी बिजनेस की क्या प्रॉफेबिलिटी है फाइनेंशियली साउंड बिजनेस है या नहीं है तो ये होता है आपका फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट फोर्थ क्वेश्चन

इसको आप एसेट नहीं ट्रीट करोगे आपने फॉर एग्जाम्पल एक, एक साथ एक हजार इरेजर मंगा ली ठीक है कि भाई यूज होती रहेंगी अब एक हजार इरेजर्स आपकी उसी साल में तो यूज नहीं होंगी फॉर एग्जाम्पल आपकी उस साल में सिर्फ दस इरेजर्स यूज हुई तो बाकी की नौ सौ नब्बे इरेजर्स को एसेट क्रिएट करो ना क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है वो इरेजर आपने खरीदी है लेकिन आप उसको एक्सपेंस करते हो आप उसको एसेट नहीं ट्रीट करते आप वो खर्चे में डाल दोगे वो हजार जो आपने इरेजर्स खरीदी आप उसको एक बार में उठा करके अपने खर्चे में डाल दोगे ठीक है आप उसको एसेट नहीं बोलोगे कि ये इरेजर्स मेरा एसेट है तो ये कौन सा कंसेप्ट है ये कंसेप्ट होता है ऑप्शन ए मटीरियालिटी कंसेप्ट इसको क्या बोलते हैं मटीरियालिटी कंसेप्ट तो मटीरियालिटी कंसेप्ट बेसिकली है क्या

ठीक है तो अब कहोगे कि आप ये तो एसेट हो गया सर क्योंकि इरेजर एक बार में यूज नहीं हो रही है चार साल तक चलेगा दो साल तक चलेगा तो इसको एसेट ट्रीट करते हैं तो मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई ये छोटी मोटी चीजों के ऊपर अगर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हम अपनी इसको एसेट में डालने लग गए फिर तो हमारा काम हो जाएगा हर साल हम देखेंगे कि भाई हर साल गिननी पड़ेगी कितनी इरेजर रहेगी उसके हिसाब से एसेट को एडजस्ट करना पड़ेगा बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड आप इसको एक बार में ला करके एक बार में खर्चे में डाल दो आप एक बार में एक्सपेंसिस में डाल दोगे स्टेशनरी एक्सपेंस दिस फिर आपको उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो अगले साल के लिए बची या नहीं बची बची तो बची उसमें कोई वो दिक्कत ही नहीं है क्योंकि आप उसको आ, आ, उसका वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वहीं का वहीं एक्सपेंस डल के खत्म हो गया एसेट डालोगे तो हर साल उसको चेक करना पड़ेगा तो ये होता है आपका मटीरियलिटी कंसेप्ट ओके तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है फोकस ऑन मटीरियल फैक्ट ओके immaterial इन डिटरमिनेशन ऑफ इनकम अब इरेजर कितनी आई कितना उसको एसेट में डालोगे उससे क्या आपकी इनकम में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा क्या ओके okay, तो बेसिकली अब स्टूडेंट को सबसे पहले डाउट क्या होता है स्टूडेंट को डाउट ही होता है कि एक पर्टिकुलर जो आ, आ, एंट्री है वो मटेरियल फैक्ट है या नहीं है वो डिपेंड करेगा उसके नेचर और अमाउंट के ऊपर अब एक कोई स्टील बना रहा है अगर वो दो हजार रुपए की इरेजर ले आया तो क्या वो एक्चुअल में बहुत मटेरियल चीज हो गई हाँ अगर वो लाखों रुपए का लैंड खरीदता तो वो बात अलग थी ओके okay? अब इरेजर को एसिड नहीं ट्रीट किया तो क्या शेयर होल्डर को भी कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा तो वही चीज यहां पर आ जाती है अब देखो अगर फॉर एग्जांपल कोई थिएटर वाला है सिनेमा हाउस है वो एडिशनल कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए खर्चा कर रहा है तो वो मटेरियल फैक्ट है या कोई आप अकाउंटिंग मेथड चेंज कर रहे हो जैसे डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर रहे हो तो वो एक मटीरियल फैक्ट है उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत है ओके तो उसको आप कंप्लीटली डिस्कलोज करोगे लेकिन छोटे मोटे एक्सपेंसेस जैसे इरेजर ले आए पेंसिल ले आए स्केल ले आए उसको आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है उसको आप एक बार में एक्सपेंस में डाल के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाकर के काम खत्म कर दोगे ओके दैट इज योर यिटी कंसेप्ट नाउ फिफ्थ एंड फाइनल क्वेश्चन गाइस अकाउंटिंग मेजरमेंट्स आर नॉट ऑलवेज यूनिफॉर्म अकाउंटिंग मेजरमेंट्स आर नॉट ऑलवेज यूनिफॉर्म सम फाइनेंशियल जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस अकाउंटिंग मेजरमेंट आर नॉट ऑलवेज यूनिफॉर्म समाइनेंशियल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड इन टू और मोर डिफरेंट वेज कि आप कुछ पर्टिकुलर फाइनेंशियल क्वांटिटीज को दो या दो से डिफरेंट वेज में आप मेजर कर सकते हो द मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ कंपनीज अकाउंटेंट डिसाइड विच मेजरमेंट ऑल्टरनेटिव आर टू बी यूज ज आर नोन एज ओके तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल क्वॉंटिटीज होगी ना अलग अलग तरीके से आप मेजर कर सकते हो एक पर्टिकुलर क्वान्टिटी को डिफरेंट वेज में आप उसको कर सकते हो अब अल्टीमेटली मैनेजमेंट अकाउंटेंट की हेल्प से डिसाइड करेगा कि आप कौन से मेजरमेंट uh, ऑल्टरनेटिव को अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर यूज कर रहे हो तो ये जो च्वाइस होती है इसको हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग पॉलिसीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल वन ऑफ द अब अब फॉर एग्जाम्पल आप फाइनेंशियल क्वान्टिटी को फॉर uh, एग्जाम्पल आप कोई पर्टिकुलर गुड्स है उनको आप के में वेट कर रहे हो पाउंड में वेट कर रहे हो या वेट से रिलेटेड हो सकता है करेंसी से रिलेटेड हो सकता है मल्टीपल चीजें हो सकती हैं तो इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी जो बेसिकली डिसाइड करेगी कंपनी मैनेजमेंट डिसाइड करेगी अकाउंटेंट से डिस्कस करके कि क्या उनको बेसिकली अकाउंटिंग मेजरमेंट के अंदर जो मेजरमेंट प्रोसेस है उसको फॉलो करना है कौन सा मेथड फॉलो करना है सो अकाउंटिंग पॉलिसीज है बेटा ये हेडिंग चेंज कर लो अकाउंटिंग पॉलिसीज ओके सो अकाउंटिंग मेजरमेंट्स आर नॉट ऑलवेज यूनिफॉर्म सम फाइनेंशियल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड इन टू और मोर डिफरेंट वेज और मैनेजमेंट डिसाइड करेगी अकाउंटेंट की हेल्प से इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी टू कंपनी डिफर कर सकती है ओके एंड एडवाइजेबल होता है कि अपने बेसिकली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स के अंदर लिख दें कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी वो फॉलो कर रहे हैं पॉलिसी भी टाइम अगेन एंड अगेन चेंज नहीं करनी चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली फिर वो कंपेरिजन के अंदर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी एंड अगर चेंज हो भी रहा है तो रीजन जस्टिफाई करना होगा कंपनी को कि क्यों वो चेंज कर रहे हैं अब इसमें अकाउंट वैसे तो कंपनी फ्री होती है अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी डिसाइड करने के लिए बट इन वन सेंस हम कह सकते हैं कंप्लीटली फ्री भी नहीं होते क्योंकि उनको अकाउंटिंग पॉलिसी जो फॉलो करनी है वो एक तो जो भी गाइडलाइंस हैं उस पर्टिकुलर एरिया की जो भी सरकार है उसकी जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा और उनके उनको फॉलो करते हुए जो पॉलिसीज हैं उसको वो अडॉप्ट कर सकते हैं वो उनके ऊपर फ्रीडम रहेगी ओके सो दिस इज अबाउट योर अकाउंटिंग पॉलिसीज विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर गाइस एंड पीडीएफ के लिए आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाता है अगेन अगर आप कॉम्बो कोर्स ले रहे हैं तो आपको पीडीएफ के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है एंड कॉम्बो कोर्स के लिए आप पे कोड यूज करेंगे यूपीएससी यूपीएससीपीएफ okay? so, we'll को फॉर फिफ्टी परसेंट ऑफ गाइस ओके सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे टेक केयर एंड बाय